हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूनम। आज हम लोग बात करेंगे पायरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। पायरिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी पायरिया के लक्षणों के बारे में। सबसे पहले ये सोचो कि किसी को कैसे पता चलेगा कि उसको पायरिया की प्रॉब्लम है या पायरिया की प्रॉब्लम होने वाली है। इसकी पहचान के लिए हम बात करेंगे पायरिया के लक्षणों के बारे में। अगर किसी के दांतों और मसूड़ों से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों में सूजन होती है, मसूड़ों में दर्द हो रहा है या टीथ आपके लूज लग रहे हैं, तो ये सारे पायरिया के लक्षण हो सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसके इलाज के बारे में। पायरिया का जो मेन ट्रीटमेंट है वो है स्केलिंग करवाना। स्केलिंग का मतलब होता है दांतों या मसूड़ों की सफाई करवाना। ये जो स्केलिंग होती है या जो दांतों की क्लीनिंग होती है, ये आप अपने एरिया के किसी भी लोकल डेंटिस्ट से करवा सकते हैं। स्केलिंग के अंदर क्या होता है कि आपके दांतों और मसूड़ों की क्लीनिंग की जाती है। ये क्लीनिंग एक मशीन के द्वारा की जाती है, जिस मशीन को हम अल्ट्रासोनिक स्केलर बोलते हैं। तो और मसूड़ों की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद आप लोगों को कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी, जैसे कि जेल, मसूड़ों पे लगाने के लिए जेल दिया जा सकता है, गम पेंट दिया जाता है और माउथ वॉश दिया जाता है। ये तो हुई प्रोफेशनल इलाज के बारे में बात, जो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके करवाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कुछ घरेलू इलाज। घरेलू इलाज में क्या कर सकते हैं, जैसे कि गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना। आप चाहो तो फिटकरी के पानी से भी कुल्ला कर सकते हो। दांतों और मसूड़ों की अच्छे से सफाई रखना। दिन में 2 बार ब्रश करना। सुबह का ब्रश तो सभी करते हैं, बट रात को ब्रश कोई नहीं करता। रात को ब्रश करना बहुत जरूरी होता है। अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। जंक फूड्स और चॉकलेट्स जितना हो सके कम यूज करो। अगर आप जंक फूड्स या कोई चॉकलेट्स वगैरह खाते हो, तो खाने के जस्ट बाद कुल्ला या ब्रश करना बहुत जरूरी है। रेगुलर डेंटल चेकअप करवाते रहिए। 6 महीने में एक बार डेंटल चेकअप जरूर करवाइए। अगर आप लोगों को पायरिया से जुड़ी या दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।